इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वोमिकाइन सिर्फ भोजन से पहले या बाद में दिया जा सकता है। कीमोथेरेपी के कारण होने वाली उल्टी को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया से 30 मिनट पहले अपने बच्चे को यह दवा दें। इन प्रक्रियाओं के बाद अपने बच्चे को उल्टी से बचाने के लिए इसे रेडियोथेरेपी सत्र से 1 से 2 घंटे पहले और सर्जरी से 1 घंटे पहले दें। यदि आपका बच्चा सेवन के 30 मिनट के भीतर दवा को बाहर निकाल देता है तो अपने बच्चे को शांत होने में मदद करें और खुराक दोहराएं। यदि अगली खुराक का समय हो गया हो तो दुगुनी खुराक न लें। वोमिकाइन सिर्फ के कुछ अस्थायी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, कब्ज, दस्त और थकान। एक बार जब आपके बच्चे का शरीर दवा के अनुकूल हो जाता है तो ये दुष्प्रभाव आमतौर पर कम हो जाते हैं। यदि ये दुष्प्रभाव बने रहते हैं या परेशान हो जाते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आपका बच्चा ले रहा है, जिसमें दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स या अवसाद के इलाज के लिए ली जाने वाली दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को लीवर की समस्या, गुर्दे की खराबी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रुकावट, दिल की समस्या या किसी दवा, इसकी सामग्री या खाद्य उत्पाद से एलर्जी का इतिहास है तो डॉक्टर को सूचित करें। खुराक में बदलाव करने और आपके बच्चे के समग्र उपचार की योजना बनाने के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों में वोमिकाइन सिर्फ के उपयोग, मतली का इलाज, उल्टी करना। आपके बच्चे के लिए वोमिकाइन सिर्फ के लाभ, मतली का इलाज। वोमिकाइन सिर्फ शरीर में उन केमिकल की क्रिया को रोकता है जो आपको बीमार महसूस करा सकते हैं या बीमार कर सकते हैं। यह अक्सर मतली और उल्टी को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कैंसर, कीमोथेरेपी और विकिरण उपचार, वयस्कों और 4 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों में के कारण हो सकता है। यह आमतौर पर कीमोथेरेपी या विकिरण से पहले और बाद में लिया जाता है। यह दवा आपको इन उपचारों से अधिक आराम से ठीक होने में मदद करती है। यह एक ऑपरेशन केवल वयस्कों में के बाद मतली और उल्टी को रोकने में भी प्रभावी है। डोज इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस लिए इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इस दवा को निर्धारित अनुसार ही लें। बच्चों में वोमिकाइन सिर्फ के साइड इफेक्ट। वोमिकाइन सिर्फ से गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और यह बच्चों द्वारा अच्छी तरह सहन किया जाता है। यदि साइड इफेक्ट होते हैं तो शरीर दवा के अनुकूल होने के बाद उनके कम होने की संभावना होती है। यदि ये दुष्प्रभाव बने रहते हैं या आपके बच्चे को परेशान करते हैं तो अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्श करें। सबसे आम दुष्प्रभावों में शामिल हैं वोमिकाइन के सामान्य दुष्प्रभाव, कब्ज, दस्त, थकान, सिर दर्द। मैं अपने बच्चे को वोमिकाइन सिर्फ कैसे दे सकता हूँ? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। उपयोग से पहले दिशाओं के लिए लेबल की जांच करें। इसे मापने वाले कप से मापें और इसे मुंह से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। वोमिकाइन सिर्फ भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।